मुमरा के एमएम वैली पर एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एसडीपीआई ने मुमरा से रेती बंदर से एमएम वैली तक बाइक रैली भी निकाली। उसके बाद एमएम पर ग्रेस स्क्वायर में ऑफिस की ओपनिंग की गई। एसडीपीआई के नेता सईद चौधरी ने बताया कि मुमरा में एसडीपीआई काफी पहले से काम कर रही है और आगे जो शहर के मुद्दे है उन्हें हम बेबाकी से उठाएंगे। मेरा नाम सईद चौधरी है, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज आप लोग ने ग्रेस स्क्वायर में पार्टी ऑफिस की ओपनिंग की है, तो किस तरह से आप मुमरा में काम कर रहे हो? मुमरा में आज ही हम लोग कदम नहीं रखे, मुमरा में हम काफी टाइम से हम काम कर रहे हैं, 2 साल से करीब काम कर रहे हैं और ये हमारी दूसरी ऑफिस है। इसके पहले हमने और मस्जिद की वो आइडल पार्क में हमने ऑफिस खोला था, लेकिन जैसे हमारी पार्टी ने कदम रखा, यहाँ की जो दूसरी सियासी पार्टी है जो अपने आप को बॉस और शेर कहती है, वैसे उनके कदम टकमगाने लग गए और वो जिससे हमने ऑफिस लिया था रेंट के ऊपर, वो उनको उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको भड़काना शुरू कर दिए, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है। इसका मतलब ये पार्टी में कुछ तो बात है कि लोग जो आज सत्ता में रह के डर रहे हो हमारे से, तो पार्टी को हमारे को हमारी बंद कराने का उन्होंने काम किया। अभी वापस से हमने हमारी दूसरी ऑफिस ली है और ये ऑफिस के जरिए से हम काम करेंगे, शुरू किया। अच्छा, मुमरा में काफी सारे मुद्दे हैं, आपके हिसाब से मुमरा का सबसे अहम मुद्दा कौन सा है? ऐसे तो वो मुमरा का अहम मुद्दा सबसे ज्यादा मुझे लगता है टोरंटो का इलेक्ट्रिसिटी का, जो लेकर जो मेरे ख्याल से ये पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा है, महाराष्ट्र का नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि लाइट बिल को लेके सब जितनी परेशानी गरीबों को है शायद उतनी और किसी को नहीं है, क्योंकि गरीब को ही मतलब हर जगह के लाइट बिल भरना है। आज लाइट बिल का जो रेट 9 रुपया पर यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया, कलवा जैसे शहर के अंदर जो टोरंटो जब से आई है और उस टाइम से जो लोगों की हालत हुई है, क्योंकि कोरोना काल से अगर आप देखेंगे तो लोगों के धंधे पानी हर चीज मतलब खत्म होने के कदार पे हुए और वापस से लोग खड़े होने के देखे और ये उनको एक इलेक्ट्रिकल की मार पड़ रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा मुमरा शहर के अंदर। तमाम पार्टी ने टोरंटो के खिलाफ आंदोलन किया, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे एमआई हो, चाहे वो इंडियन यूनियन हो, तरह तरह के आंदोलन हो रहे, किसी ने बिल जलाया, किसी ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए कैसा है, टोरंटो जो कंपनी है ये जो भी है सरकारी खाते में ही आती है, सरकार ने ही इसको प्राइवेटाइजेशन दिया हुआ है और सरकार ही इसका पैसा खा रही है, उसको खाली एक डीलर की तरह इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से मुंबई के अंदर आप देखेंगे अदानी को इस्तेमाल कर रही है, उसी तरीके से मुमरा शहर के अंदर टोरंटो को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारा तरीका अलग है, हम दूसरे पार्टी के जैसा नहीं है कि हम खड़े होंगे और मतलब उसमें इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद टोरंटो मुर्दाबाद ये सब हम करने वाले नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी अलग है, हम अलग तरीके से इसको काम करने वाले हैं और हम काफी 2 महीने इसके ऊपर इसका हमारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हम अभी इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि टोरंटो मतलब किस तरीके से बिल दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि टर्मिनेशन हम लोग कर नहीं सकते, हो नहीं सकता है। टर्मिनेशन की जो पार्टियां मांग कर रही है वो खाली एक दिखावे की मांग कर रही है, चाहे यहाँ पे जो सत्ता में बैठी है जो राष्ट्रवादी है वो जो दिखावे की वो मांग कर रही है, एक्चुअल उन्हीं में से हो रहे हैं, वो भी खुद कमीशन खा के बैठे हुए, तो उसको टर्मिनेशन कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। हम उनसे इस तरीके से खड़ा करेंगे कि जो यूनिट के जो उनके रेट्स है उनके रेट्स हम कम कराने के लिए देखेंगे और आने वाले टाइम में जिस तरीके से अगर इलेक्शन के अंदर हम पावर में जल्दी मतलब आएंगे तो टोरंटो को हम टर्मिनेशन करने के लिए देखेंगे। कितनी सीट पे आपको चुनाव लड़ रहे नगर पालिका में? नगर पालिका में लगभग जितनी हमारी मतलब यहाँ पे जितने हैं 23 सीट यहाँ पर है, लेकिन हमने 10 से 12 सीटों के ऊपर यहाँ पे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हम लड़ेंगे। अच्छा, कोई अगर पार्टी गठबंधन करती है आपसे तो आप एक्सेप्ट करोगे? हमारी आइडियोलॉजी को लेके कोई भी एक्सेप्ट करेगा तो हम उनके साथ में तैयार हैं,
लेकिन वो सेकुलर माइंड की होनी चाहिए, सेकुलर पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आज देखा गया कि काफी सारे लोग तादाद में आपके साथ जुड़े हुए हो, तो आज आप लोग मतलब किस तरह से मुंबई की आवाम को अपनी तरफ घसीटोगे, किस तरह से भरोसा दिलाओगे? पहली बात तो मुमरा की जो आवाम है ये पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। हर घर में यहाँ पे वही पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो भी नेगेटिव पॉलिटिकल अवेयरनेस वही है जो सत्ताधारी के साथ में है, और उन्हीं का घर बस रहा है, उन्हीं का घर बन रहा है, उन्हीं के पास मतलब माल जा रहा है, बाकी गरीबों का कोई नहीं यहाँ पर देख रहा है। तो हम जो जिस तरीके से काम करने वाले हैं, हम पहली बात तो लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस करेंगे, हम इस देश के अंदर पॉलिटिकल में हमारा क्या हिस्सा होना चाहिए, राजनीतिक किस तरीके से हमको रहना चाहिए, हमारे हुकूक क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। आज हमें खाली छोटी छोटी चीजों का परमिशन मिलता है, लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने सुना हो कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड म्युनिसिपैलिटी का है, लेकिन वो ग्राउंड में दुनिया भर की मतलब गंदगी है, कुछ शुरू नहीं हुआ है करके, तो वही कोई ना कोई पार्टी उसको मतलब हथियाना चाहती है, अपने अंडर में करना चाहती है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। लेकिन हम लोग इसी तरीके से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वही मुद्दे उठाएंगे, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के जरिए से लोगों के दिलों के अंदर हम लोग जाएंगे।